हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो ओरल म्यूकोसा से रिलेटेड है और उसमें जो वाइट पैच होता है उस पर हम लोग बात करेंगे कि ओरल म्यूकोसा के अंदर जो पैचेस बनते हैं, यानी कि जो आपके गाल के अंदर की सतह है जो मॉइस्ट होती है, वहाँ पर जो पैचेस बनते हैं वो किस प्रकार के हैं और कब आपको समझना चाहिए कि ये डेंजर हो सकते हैं। तो अभी मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे शेयर करने जा रही हूँ। जैसे कि आपको देखना है कि ओरल कैविटी में जो सतह है आपका, वो कहाँ पे आपको वाइट पैचेस बन रहे हैं। तो साइट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किस साइट पे लीजन प्रेजेंट है। अगर मान लीजिए कि आपका जो टंग है वहाँ पे लीजन प्रेजेंट है और वो लेटरल बॉर्डर पे है, तो ये जो लेटरल बॉर्डर होता है टंग का वो वल्नरेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे जो केराटिनाइज सतह होती है वो नहीं पाई जाती है। यानी कि ये जो सतह होता है वो लेटरल बॉर्डर जो है वो नॉन केराटिनाइज होता है। तो यहाँ पे जो आप देखेंगे कि कभी भी कोई अल्सर बनता है तो वो काफ़ी लंबे समय तक रहता है। साथ में जो सतह है उस पर बार बार टीथ जो है आपस में टकराते हैं, जिसके कारण से भी उंड जल्दी हील नहीं होता है। तो पैचेस को आपको देखना है कि पैचेस का साइट क्या है। अगर वो ट्रॉमेटिक साइट नहीं है तो फिर आपको ज़्यादा उसके लिए चिंता नहीं करना है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको नज़रअंदाज नहीं करना है। जैसे कि मान लीजिए कि जो लीजन है वो कितने दिन से है और क्या ये फास्ट ग्रो कर रहा है, यानी कि जो आपके माउथ के अंदर जो पैचेस बन रहे हैं क्या वो फास्टली ग्रो कर रहे हैं या फिर उनकी जो ग्रोथ रेट है वो स्लो है। अगर वो फास्ट ग्रो कर रहे हैं तो जो मैंने यहाँ पे साइन शेयर किया है रेड फ्लैग, यानी कि जो लाल खतरे की घंटी है, वो कहीं ना कहीं इस बीमारी के लिए मौजूद हो सकती है। तो सिर्फ एक फैक्टर पे बात नहीं करना है, सिर्फ ग्रोथ को लेकर के नहीं हम लोग डिसीजन लेते हैं। सबसे पहली चीज़ कि जो उसका टेक्सचर है, यानी कि जो टेक्सचर मतलब कि जो उसके सतह का बनावट है, क्या वो सतह जो है वो हार्ड है या फिर जो सतह है वो चारों तरफ से अल्सरेटेड है, यानी कि वो एक जैसा है, स्मूथ है या अल्सरेटेड है, वो आपको समझना होगा। आप खुद भी देख सकते हैं या फिर अपने नज़दीकी स्पेशलिस्ट की आपको मदद लेनी चाहिए। अगर आपका कोई भी उंड जो है 15 दिनों से ज़्यादा अगर हो रहा है, जैसे कोई जख्म बना और वो 15 दिनों से ज़्यादा पुराना है, तो आप खुद से इस चीज़ को आजमाए नहीं, बल्कि अपने निकट के स्पेशलिस्ट से मिले और उचित इलाज लें या उचित सलाह लें। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो उंड है उसके नेचर के बारे में। तो मान लीजिए अगर पैच है और पैच में बीच बीच में रेड रेड डॉट है, वाइट के अलावा रेड भी प्रेजेंट है, यानी थोड़ा सा यहाँ पे इरिडमेटस एरिया बढ़ा हुआ है, जो कि साइन होता है आपका डिस्प्लेजिया का। तो डिस्प्लेजिया वर्ड से डरना नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेजिया जो है उसे अलग अलग ग्रेड में रखा गया है, माइल्ड है, मॉडरेट, सीवियर या फिर जो कार्सिनोमा इन सीटू होता है। तो जो कार्सिनोमा इन सीटू है उसमें जो आपका टिश्यू है कम्प्लीटली जो है वो डिस्प्लास्टिक हो जाता है, एक भी सेल्स वहाँ पे नॉर्मल नहीं पाए जाते हैं। यानी कि जो वो टर्म यूज होता है, यूँ समझ लें कार्सिनोमा इन सीटू का मतलब कैंसर होता है। तो जो माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर है, इन तीनों में आपको समझना होगा कि आपका डिस्प्लेजिया किस तरह का है, जो कि हिस्टोलॉजिकली ही समझा जा सकता है या फिर जो स्पेशलिस्ट है वो उसे देख के आपको बता सकते हैं कि ये किस ग्रेड में हो सकता है। वैसे जो स्टडी मैं यहाँ पे बता रही हूँ, जितने भी रेड फ्लैग साइन है उसमें सारे फीचर्स मौजूद हो किसी एक पेशेंट में ज़रूरी नहीं है। तो लगभग आप देख लें कि जो नंबर ऑफ जितने भी यहाँ पे मैं फीचर्स शो कर रही हूँ उसमें से अगर मान लीजिए एक ही फीचर आपका रिजेंबल कर रहा है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, दो फीचर रिजेंबल कर रहा है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर जो लीजन है, वाइट पैच है या फिर रेड पैच है, वो फास्ट ग्रो भी कर रहा है, अल्सरेटेड भी है और आपका जो उंड है वो नॉन हीलिंग है, मीन्स सिर्फ वाइट नहीं है, वहाँ पे रेड डॉट भी है, और जो आप जब भी आप खाना को स्वेलो कर रहे हैं तो वहाँ पे भी पेन हो रहा है, आपके गले में जब आप खाना निगल रहे हैं तो भी पेन हो रहा है, या फिर अगर आप मूवमेंट कर रहे हैं या फिर बातचीत कर रहे हैं और पेन हो रहा है, तो वहाँ पे जो
ब्लैक, तो उससे आपको वहाँ पे सतर्क रहने की जरूरत है। बहुत ज्यादा इस पे खुद से चिंतन ना करके आप इसे जरूरी सलाह लें और उचित डायरेक्शन में काम करें। तो जो भी व्हाइट पैचेस या रेड पैचेस बनते हैं उसमें जरूरी नहीं है कि आप टोबैको से एसोसिएटेड हों। समटाइम क्या होता है, ये पैच डेंजरस उतने ज़्यादा नहीं होते हैं, जिसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो मैं कहूँ कि आप यूँ समझ लें कि ये जो एनाटॉमिक वेरिएशन है, बहुत सारे ऐसे चीज़, जैसे कि मान लीजिए किसी पेशेंट का अगर फॉरडाइसिस ग्रैन्यूल है, तो अगर वो वाइट या येलो बम्प्स आपके गाल के सतह पे बन रहे हैं तो वो बिल्कुल चिंता का विषय नहीं है। उसके अलावा मैं बात करूँ कि ल्यूकोएडेमा यानी कि वाइट थिक मोटा आपका गाल का सतह होना, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये अगर बन रहा है तो ये कम्प्लीटली बेनाइन लीजन होता है, आपको ऑब्जर्वेशन में रहने की जरूरत है। और उसके बाद मैं बात करूँ कुछ ऐसी बीमारी जिसमें कि जो ओकेजनल होती है, यानी कि जो फंगल इन्फेक्शन है वो ओकेजनल होती है, और वो किसी खास कारण से, अगर आपकी इम्यूनिटी सप्रेस हुई है किसी भी कारण से, मान लीजिए आपको कोई वायरल फीवर है, आपकी इम्यूनिटी सप्रेस हुई है, या फिर कोई ऐसी बीमारी है जिसके कारण इम्यूनिटी जो है लो हो गई है, तो इस तरह से भी फंगल इन्फेक्शन ग्रो करता है। कुछ पेशेंट जो स्टेरॉयड यूजर होते हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी को अर्थराइटिस की समस्या है और वो लंबे समय तक स्टेरॉयड ले रहे हैं, तो कई बार फंगल इन्फेक्शन माउथ के अंदर ग्रो कर जाता है। कुछ यंग एडल्ट हैं जिनके माउथ के अंदर कुछ पैचेज अगर बन रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि ऑल टाइम वो डेंजरस ही हो, तो खुद से आप इन चीज़ों को कंक्लूड ना करें आप, और कई बार चीज़ें खुद से एग्जामिन करने के कारण आप अननेसेसरी चिंतित रहते हैं। तो चीज़ों को सही डायरेक्शन में लें और उसे उचित जगह पे इलाज करवाएं, सो दैट कि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। और यहाँ पे मैं जो भी चीज़ शेयर कर रही हूँ, सारी ऑथेंटिक जानकारी यहाँ पे मैं आर्टिकल से आप लोगों तक शेयर कर रही हूँ, तो उम्मीद करती हूँ कि ये दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगा। और आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, सो दैट कि इस तरह के वीडियोस मैं आप तक लाती रहूं और दूसरे लोगों को भी इससे फ़ायदा हो, जो लोग सफ़र कर रहे हैं उन्हें भी मदद मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।